नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 13 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन बड़ा महासंयोग का निर्माण होने वाला है और पितृपक्ष में एकादशी का पड़ना तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। जल्दी देखें, समय बहुत ही कम है। मित्रों, 13 सितंबर को एकादशी आने के कारण आपके जीवन के सारे कष्टों और आपके जीवन में व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ में चली आ रही सारी की सारी रुकावटें आपके दूर होंगी। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, मित्रों 13 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन आपको कुछ नए अधूरे कामकाजों को पूरा करने के मौके प्राप्त होंगे। बिजनेस में भी आप किसी नए एग्रीमेंट को कर सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की योजनाएं सफल होंगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती हैं। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होंगी। छात्रों के लिए भी यह दिन काफ़ी अनुकूल रह सकता है। आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही धन में बढ़ोतरी होंगी। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको नया काम मिल सकता है जिनसे आप अपनी मेहनत से सफल होंगे। परिवार से जुड़े आपके किसी कामों के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती हैं और आपको विशेष बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों को भी सीनियर लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है। धन संबंधी के मामलों में आपको सतर्क रहने होंगे। माता के स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रह सकता है। आपको थोड़ी सी मेहनत से भी बड़ा मुनाफा मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा से आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को करियर से जुड़ा कोई सुनहरा अवसर मिल सकता है। आप अपने कामकाज में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आ सकता है। आपको अपनों से नजदीकियां बढ़ाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होंगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होंगे। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ सकती है जिनसे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। लंबे एक दूसरे के साथ खुशी के फल व्यतीत करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस में रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरे लोगों की मदद मिल सकती है। साथ ही परिवार के लोग भी आपके हर फैसले में आपका साथ रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपको बेहतर तालमेल बिठाने के मौके प्राप्त होंगे और 13 सितंबर देवगुरु बृहस्पति और एकादशी के दिन आप अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकोगे। खुद को एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपका दिन फेवरेबल रहेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है। आपके किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकते हैं। आप किसी खास कामों को करने के लिए विशेष लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आपको बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने या किसी नई योजनाओं को बनाने के भी मौके मिल सकते हैं। काम के सिलसिलों में आपको थोड़ी सी बिजी रहने के मौके प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग भी आपके कामकाज से प्रसन्न होंगे। परिवार का माहौल खुशनुमा रह सकता है और आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आ सकते हैं। मित्रों, इंदिरा एकादशी के मौके पर आपको 13 सितंबर के दिन बड़ी और अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक लाभ भी आपका शुभ रहेगा और बृहस्पति भगवान की कृपा से आपको विशेष रूप से अपने जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने के मौके प्राप्त होंगे और धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। मौजूदा नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी अच्छे होंगे। आप कोशिश करें तो ज्यादातर समस्याएं सुलझ सकती हैं। अधिकारियों से भी मदद मिल सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। किसी के बहकावे में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न करें। जितना ज्यादा हो सके आप अपने आप को बेहतरीन बनाने की अवश्य कोशिश करें। आपके सभी सपने अवश्य पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में भी आपको व्यापार बढ़ाने के मौके प्राप्त होंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय में नई खुशखबरी को प्राप्त कर सकते हैं। पैसों के
आपकी स्थितियों में सुधार होने का योग है और आपको नौकरी, बिजनेस और लोगों के साथ धैर्य से पेश आने की जरूरत होगी। लेन देन और निवेश का हिसाब कर सकते हैं, नई जगह पैसा लगाने की प्लानिंग हो सकते हैं और आपको फायदा हो सकता है। आपको कुछ नए लोगों से जुड़ने के मौके प्राप्त होंगे जो आपके लिए काफ़ी खुशी की और काफ़ी अच्छे सुनवरे को प्राप्ति कर सकते हैं। महत्वपूर्ण लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सकारात्मक बातचीत होंगी। दूसरों की मदद करने में आपको विशेष लाभ हो सकते हैं और आपको जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इंदिरा एकादशी 13 सितंबर के दिन आपको बिजनेस के क्षेत्रों में कुछ लोगों से मदद मिल सकती हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन को आपसे समझ से और भी बेहतर बना सकोगे। सामाजिक जीवन भी आपका हर तरह से, हर पहलू से और हर फील्ड से बेहतर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिल सकती है। आर्थिक स्थितियों में प्रगति होंगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल होंगे और किसी काम को पूरा करने के लिए आप कोई नया आइडिया भी सूझ सकता है। छात्रों को भी आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आपको तरक्की के कुछ नए साधन भी आपको मिल सकते हैं। आपको बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा रह सकता है और बिजनेस में भी आपको काफी अच्छे परिणाम अवश्य हासिल होंगे। दाम्पत्य संबंधों में ताजगी भरने के लिए आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना कोई खास काम शुरू कर सकते हैं और कोई खास काम करने से आपको बेहतरीन और फायदे मिल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नए शुरू किए गए कामों में भी आपको सफलता मिल सकती है। आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छे होंगे। कुछ लोगों को आपकी मुलाकात हो सकती है और आपका दिन बेहतर बन सकता है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके कामों की तारीफें होंगी। आप अपने कुछ खास लोगों से दोस्ती कर सकते हैं और कुछ अपने रूटीन में बदलाव कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ बिताए गए समय भी आपको जीवन में तरक्की दे सकते हैं और कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से भी काफी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने धैर्य को बनाए रखने की अवश्य कोशिश करें। धैर्य आपके रिश्ते को मधुर बना सकते हैं और आपको कुछ कामों में पहले से ज्यादा अधिक समय लग सकता है। आपको किसी से भी राय लेकर कार्य करना आपके लिए कारगर साबित होंगे। दूसरों के सामने आप अपनी बातों को रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने का कोई नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है। कुल मिलाकर इंदिरा एकादशी 13 सितंबर का दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर यह प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा और कुंभ राशि के लोगों को जीवन में और तुला राशि के लोगों के जीवन में और मिथुन राशि के लोगों के जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं। विद्यार्थियों को भी काफी अच्छे बेहतरीन मौके प्राप्त होंगे। मेहनत के बलबूते आप अपने करियर में सफलता को हासिल कर सकते हैं। ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम भी हाथों में लेने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है और कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंट के कारण आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे में बेहतर होंगे आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की अवश्य कोशिश करें। आप अपने काम काजों को पूरा करने की अवश्य कोशिश करें।